बहुत पुराने समय की बात है। लोग तब ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, ना ही इतने आधुनिक संसाधन थे। हरिपुर नाम के एक गांव में हीरा नाम का एक लड़का रहता था। उसकी उम्र 10 साल थी। हीरा बहुत ही समझदार था और बहादुर भी। साथ ही हीरा को घूमने का बहुत शौक था। हीरा आसपास के जंगल में जाता और वहां घूमता रहता। इस वजह से हीरा के माता पिता बहुत परेशान थे। वे हीरा को कहते, बेटा हीरा, जंगल में बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं, ऐसे जंगल में अकेले मत घूमा करो। माँ, सारे जानवर मेरे दोस्त हैं, वो तो मेरे साथ खेलते हैं। इतना कहकर हीरा वहां से हंसते हुए चला गया। सुनिए जी, मुझे हीरा की बहुत चिंता हो रही है। अरे तुम चिंता मत करो, अपना बेटा बहुत ही समझदार और बहादुर है। यही तो उसकी उम्र है, करने दो जो वो करना चाहता है। आप दोनों बाप बेटे से तो मैं परेशान हो गई हूँ। और इतना कहकर माँ अपने काम में लग जाती है। उसी शाम हीरा बहुत देर तक घर नहीं लौटता तो घर में सबको चिंता हो जाती है। सब उसे बहुत ढूंढते हैं लेकिन हीरा का कोई पता नहीं चलता। उस दिन हीरा जंगल में घूमते घूमते बहुत दूर निकल जाता है। उसे एक तेज रोशनी दिखाई पड़ती है। अरे ये कैसी जगह है जहाँ इतनी तेज रोशनी है, जाकर देखता हूँ। हीरा आगे बढ़ता है। जैसे ही वह उस चमत्कारी जंगल में प्रवेश करता है, जंगल का दरवाजा बंद हो जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर जगह है, मैं आज तक यहाँ क्यों नहीं आया। हीरा को वहाँ बहुत अलग प्रकार के जानवर दिखते हैं। हीरा धीरे धीरे आगे बढ़ता है और आगे जाकर देखता है कि जंगल का राजा वहाँ के सभी जानवरों पर बहुत अत्याचार करता है। हीरा ये सब देखकर डर जाता है। हीरा वापस जाना चाहता है, तभी जंगल की रानी हीरा का मुंह बंद करके उसे अपने साथ ले जाती है। आप कौन हो? मैं इस जंगल की रानी हूँ और तुमको मैंने ही अपने चमत्कार से बुलाया है। मैंने तुम्हारी बहादुरी को कई बार देखा है, आप मुझसे क्या चाहती हो? ये एक चमत्कारी जंगल है। ये जो राजा बना बैठा है वो राजा नहीं है, उसने हम सबको यहाँ कैद कर रखा है और राजा को भी। ये एक तांत्रिक है और ये हम सब पर बहुत अत्याचार करता है। इसकी पूरी शक्ति इसके जूतों में है और ये अपना जूता कभी नहीं उतारता। रानी साहिबा, मैं क्या कर सकता हूँ? हम इसके जूतों को इसके पैर से नहीं उतरवा सकते, ये काम कोई इंसान ही कर सकता है। आप भी तो इंसान ही हो। नहीं, मैं शेरनी हूँ, मुझे इस तांत्रिक ने जादू से इंसान बना दिया है। ओह, अब समझा। आप घबराओ मत, मैं कुछ करता हूँ। और थोड़ी देर बाद हीरा, महाराज महाराज, तुम कौन हो और इस जंगल में कैसे प्रवेश किया? महाराज, मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ और आपके दर्शन के लिए बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आज मुझे आप जैसे महापुरुष से मिलने का मौका मिल ही गया। वे सब तो ठीक है, लेकिन तुम हो कौन? मेरा नाम हीरा है, मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ और मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। तांत्रिक तो खुद की इतनी तारीफ सुनकर खुश हो जाता है कि वे कितना प्रसिद्ध है। ठीक है, तुम आ सकते हो और मेरे पैर छू सकते हो। इतना सुनते ही हीरा तांत्रिक के पैर पकड़ लेता है और झट से उसके दोनों जूते हाथ से खींच लेता है। और पीछे रानी आग लेकर खड़ी होती है, उसमें जूतों को डाल देता है। आग में जूते जलने लगते हैं और तांत्रिक का माया जाल समाप्त होने लगता है और तांत्रिक भी भस्म होने लगता है। थोड़ी देर बाद जंगल वैसा ही सुंदर रहता है, लेकिन सारे जानवर और जंगल का राजा शेर सब आजाद हो जाते हैं और हीरा को शुक्रिया करते हैं। जब हीरा घर पहुंचता है तो उसके घर वाले उसको देखकर खुश हो जाते हैं।
हीरा घर में सबको और गांव वालों को सारी बात बताता है तो सब उसको शाबाशी देते हैं।